क्या बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से विपक्ष कमजोर हुआ है क्या? महत्वपूर्ण सवाल जिसका जनता क्या जवाब दे रही है, देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हाँ कहने वाले 41.1% है, ना कहने वाले 44.7% है और 14.3% जो कह नहीं सकते कह रहे हैं। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से विपक्ष कमजोर हुआ है? विपक्ष की ताकत पर क्या इसका असर पड़ा है? आप इन आंकड़ों से समझिए कि लोगों को क्या लगता है, उनके बीच में ये क्या मैसेज गया है। 44.7% जो ना कह रहे हैं, लेकिन 41% ज्यादा बहुत फासला इसमें नहीं है, जो कह रहे हैं कि हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 44.1% हाँ, अच्छा आंकड़ा मैं आपको एक बार करेक्ट कर दूं, 44.6% ना, और बहुत ही ये कट्टू कट का मामला जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और कह नहीं सकते 14.3% ऐसे लोग हैं जो इसे लेकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ और ना में उलझा हुआ कहीं ना कहीं ये जो राय है वो दिखाई दे रही है। अब इसे समझने के लिए आपको एक बार फिर ग्राउंड पर लिए चलते हैं और सीधे हम रुक करेंगे शशांक का। शशांक देखिए, नीतीश को क्या फायदा हुआ, उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन इससे नुकसान किसे हुआ? एनडीए में जाने से विपक्ष कमजोर हुआ लग रहा है लोगों को, लोगों के बीच भी यही मैसेज जा रहा है। देखिए 2019 में 40 में से 39 सीटों पर बिहार में एनडीए की जीत हुई थी, तब नीतीश साथ थे, नीतीश फिर से एनडीए में आ गए हैं। अब एनडीए नेताओं का कहना है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और सभी 40 सीटें जीतेंगे। हमारे साथ मांझी की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। मांझी जी तो कल कह रहे थे कि एक और मंत्री पद चाहिए, सो हमको तो महागठबंधन से ऑफर था सीएम का, हमने ठुकरा दिया। मांझी जी का मन डोल रहा है कि और क्या लग रहा है, नीतीश के इधर एनडीए में आने से महागठबंधन कमजोर हुआ? देखिए ना मांझी जी गलत कहाँ बोले हैं, श्री जीतनराम मांझी हमेशा स्पष्ट बोला करते हैं, हम लोग को मंत्रिमंडल में दो की हिस्सेदारी थी, अभी एक मिला, एक और मिलना चाहिए। अच्छा नीतीश आ गए हैं एनडीए में, तो क्या महागठबंधन कमजोर हुआ या नहीं? निश्चित महागठबंधन कमजोर हुआ है, एनडीए गठबंधन में नीतीश जी आए, नीतीश जी विकास पुरुष कहलाते हैं, विकास के नाम से जाने जाते हैं, ये परिवारों के नाम से नहीं जानते हैं, जाने जाते हैं, इसीलिए महागठबंधन से इन्होंने भागने का काम किया और एनडीए गठबंधन में आए हैं। हमारे साथ आरजेडी के भी प्रवक्ता हैं, क्या लग रहा है, नीतीश जी तो चले गए आप लोग को छोड़ के, लेकिन अभी भी कांग्रेस आपके साथ है, वाम दल है, क्या एनडीए का मुकाबला महागठबंधन बिहार में कर पाएगा या कमजोर हो गया? देखिए इंडिया पूरी तरह से इंटैक्ट है और जो लोग सत्ता और स्वार्थ के लिए गए हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो ले के गए हैं, जिनके सामने ये नतमस्तक हुए हैं और जो उनके सामने नतमस्तक हुए हैं, दोनों का राजनीतिक स्थिति एक है और दोनों सत्ता और स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जातीय जनगणना कराई गई, सो 2 महीने में 2 लाख नए शिक्षकों को रोजगार दिया, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, बस एग्जाम देने होगी, तो अपने काम पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए हम लोग काम जो किए हैं वो दिख रहा है और बिहार का एक एक नौजवान आज स्पष्ट रूप से कह रहा है कि रोजगार वाली राजनीति को समाप्त करने के लिए जो साजिश रची गई है उस साजिश का हम जवाब देंगे। अच्छा, बीजेपी के नेता हैं अरविंद सिंह जी, आप प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, नीतीश आ गए तो क्या सभी 40 में 40 जीतेंगे, पिछली बार कभी रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए एनडीए गठबंधन बिहार में 40 की 40 सीट जीतेगी और जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लड़ाई होगी कि विपक्ष को कितना सीट आया, और जहां तक बात है ये फरौडिया और घमंडिया गठबंधन जो लोग हैं ये गठबंधन समाप्त हो चुकी है, ये सारे अवसरवादियों का गठबंधन है। आम लोगों से ही पूछ लेते हैं किसका पल रहा भारी, एनडीए का बिहार में या महागठबंधन का? एनडीए की हमेशा पल रहा भारी रही है। जी, आम लोग भी कह रहे हैं कि एनडीए का पल रहा भारी है। शशांक आपके पास लौटूंगी, आप बात करिएगा लोगों से, सभी सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट है उनसे भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि लोगों की राय तो बटी हुई दिखा रही है। रामकृपाल जी बिल्कुल दोनों की आप देखिए तो बिल्कुल राय बटी हुई है और बटी इज द 44% 44%। देखिए जो जनता ने, जो आपने सवाल किया था कि नीतीश क्यों गए, उसमें है कि सीएम की कुर्सी, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो सच भी है नीतीश कुमार की ये मजबूरी थी वरना पार्टी टूट जाती। देखिए आप यूं समझ लीजिए 2019 में जो नंबर वन की पार्टी है आरजेडी उसको एक भी सीट नहीं मिली थी, उसका एक भी सांसद नहीं, और जो नंबर 3 की पार्टी है जेडीयू, नंबर 2 की पार्टी तो बीजेपी रही, उसके 16 सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस राज्य में नंबर 1 की पार्टी को कोई एमपी नहीं है, इसका मतलब है कि जो भी नीतीश कुमार के सांसद रहे वो सब मोदी के नाम पे जीत के आए थे। ठीक है सर,
तो अगर उनको फिर से विचार उनको अगर सांसद बनवाना है तो नीतीश के सामने सिवाय इसके कोई चारा नहीं था, यानी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए एनडीए का रास्ता। प्रेम कुमार जी, देखिए आपने जो एक प्रश्न रखा जिसमें कि नीतीश उधर चले गए तो फायदा किसका हुआ, महागठबंधन कमजोर हुआ कि नहीं, इसमें सिंपल तो थ्योरी यही कहती है कि भाई नीतीश उधर गए तो उधर फायदा होना चाहिए, लेकिन बिहार की प्रबुद्ध जनता को देखिए अंक गणित से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को कितनी मजबूती से पकड़ रही है कि नीतीश जिनकी क्रेडिबिलिटी खुद खतरे में हो गई तो खत्म हुई, इस वजह से इनके बीजेपी में जुड़ने के बावजूद फायदा उनको नहीं हुआ ऐसा कह रहा है सर्वे, उसमें ज्यादातर लोग ये कहने वाले हैं, यानी धरातल जमीनी जो हकीकत है वो अंक गणित जो रामकृपाल सर बता रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं खेला हो गया, लेकिन खेला क्यों हुआ, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है पूरी ये जनता भी समझती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।